is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने भी मंच पर योगाभ्यास किया। 45 मिनट तक चले योगाभ्यास कार्यक्रम में तकरीबन 250 लोग मौजूद थे। इस खास अवसर पर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नामचीन हस्तियां भी योगाभ्यास करती हुई नजर आईं। योग को लेकर मुख्यमंत्री ने मंच पर भाषण देते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से योग को वैश्विक मंच पर मान्यता प्राप्त हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य का जीवन भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए है। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय आस्था को वैश्विक मंचों पर एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है, उस परंपरा में आज पंचम योग दिवस हम सबके सामने है। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने विगत वर्ष से योग दिवस के इस कार्यक्रम को राजभवन के प्रांगण में करने की सहर्ष न केवल स्वीकृति दी अभी तो स्वयं भी सक्रिय भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके इसे एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया। ये हमारा सौभाग्य है 2017 में इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहभागी बने थे। 2018 से हम लोगों ने कार्यक्रम राजभवन के प्रांगण में मनाना प्रारंभ किया है और इस वर्ष पुनः राज्यपाल महोदय के सानिध्य में यह कार्यक्रम राजभवन के ही इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी योग साधकों का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने जो जिज्ञासा दिखाई है योग के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने अतीत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति, वास्तव में यही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। अतीत की गौरवशाली परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना, उससे प्रेरणा प्राप्त करना, उससे प्राप्त प्रकाश से अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यह जीवन योगमय बने, भोग के लिए जीवन नहीं बना है। मनुष्य जीवन योग के लिए है, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है इस चराचर जगत का। लेकिन मैं मानता हूं कि आज सूर्य है देखता होगा तो यह ऊर्जा उनको भी मिलती होगी। इस प्रकार का आज का यह कार्यक्रम मैं आप सबका पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये राजभवन का मैदान, इसमें अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को विशिष्ट मेहमानों को बुलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। लेकिन जब से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग मनाना शुरू हो गया है, मैं मानता हूँ कि राजभवन की गरिमा भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण बढ़ रही है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति ये बताती है कि हम एक नए रास्ते में चल रहे हैं। This is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.